नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। देश आज भी अध्यात्म और अंधविश्वास की आंधी में फंसा हुआ है। फिर भी जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र का ग्राम तालकमरा जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र हर साल एक अजीबो गरीब और अनोखे मेले का गवाह बनता है, जिसे भूतों का मेला कहा जाता है। ये मेला न सिर्फ आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जिसमें प्राचीन परंपराओं और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस मेले की खासियत यह है कि यहाँ प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए लोग विशेष पूजा पाठ प्रक्रिया से गुजरते हैं और साथ ही मेले में लगने वाले झूले, दुकानों और खिलौनों से इस आयोजन में जीवन का रंग और भी बढ़ जाता है। आखिर इस मेले को लेकर लोगों की मान्यताएं क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कभी आपने सुना है कि भूत प्रेत से मुक्ति पाने के लिए एक आयोजन किया जाता हो, वो भी मेले का? नहीं सुना तो अब जानिए जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तालकमरा में आयोजित होने वाले इस अनोखे मेले के बारे में। हर साल की तरह इस साल भी भूतों का मेला आयोजन धूमधाम के साथ हुआ और ये मेला न सिर्फ ग्रामीणों बल्कि शहरी इलाकों के लोगों को भी आकर्षित करता है। यहाँ के श्री मालन माई का विशाल मंदिर और दाईत बाबा का पेड़ श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष स्थल है। कहते हैं कि जिन लोगों को प्रेत आत्मा का साया रहता है, वो सबसे पहले इस पेड़ के पास आते हैं और फिर ओझा, पडेहार और भमुका जैसे पारंपरिक कर्म कांडी लोग उनकी पूजा करवाते हैं। इसके बाद एक खास प्रक्रिया के तहत उन लोगों को विशाल तालाब में नहलाया जाता है और फिर मालन माई के मंदिर में दर्शन कराने पर उनकी प्रेत बाधा दूर हो जाती है। ये पुरानी परंपरा पिछले 50 सालों से चली आ रही है और स्थानीय लोग इसे बेहद प्रभावशाली मानते हैं। जय श्री मालन माता कल्याण समिति द्वारा आयोजित इस मेले में न सिर्फ धार्मिक गतिविधियां होती हैं, बल्कि यहां पर तमाम दुकानों, खिलौनों और झूलों की भी भरमार होती है। खासकर बच्चों के लिए ये मेला किसी जादू से कम नहीं है। बड़ी बड़ी झूलों और खिलौनों के बीच लोग अपने समय को बिताते हैं और हर तरफ उत्साह का माहौल होता है। मेले में आने वाले श्रद्धालु माँ मालन के दरबार में सुख, शांति और समृद्धि के लिए अपनी दुआएं मांगते हैं, जबकि समिति के पदाधिकारी भी ये भी बताते हैं कि इस स्थल पर कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की आवश्यकता है, जो उन्हें शासन से प्राप्त नहीं हो पा रही है। उनका कहना है कि इस मेले में आने वाले लोगों की संख्या इतनी बड़ी होती है कि वो स्थल सुधार की मांग करता है, ताकि आने वाले वक्त में और भी बेहतर आयोजन किए जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से मेले में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। पुलिस प्रशासन की चौकसी रहती है और 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती रहती है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव हो सके। इस मेले की भीड़ भाड़ और तीज त्योहारों का आनंद लेने के साथ अगर कोई भी आत्मा के साए में परेशान है, तो यहाँ आकर उनके कष्ट दूर हो सकते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। दादाजी, ये बताए माता की महिमा के बारे में बताए आगे। हमें, हमारा ग्राम है तालकमरा, पंचायत है कुमकाल। मैं यहाँ के रहने वासी हूँ। मालन माता का ऐसा महिमा है, कोई भाव को परेशानी हो जाता है तो यहाँ आके ठीक हो जाती है। यहाँ के पानी नहाने से प्रेत आत्मा जिसको लगी रहती है, वो यहाँ पे आके ठीक हो जाता है, हो जाते हैं। कितने दिन का मेला चलता है? ये चलता है 15 दिन का छुट्टी। 22 तारीख 25। जो प्रेत आत्मा लगती है लोगों को, वो किस तरह से इसको झाड़ फूक किए जाते हैं? भगत भंडा लोग करते हैं, उधर से आते हैं और 50 बाड़ी भी लगता है इसमें बाल बच्चे के विषय में। अच्छा, बलि वगैरह की कोई प्रथा है क्या यहाँ पे? हाँ, बकरा, बकरी, चूहा, मुर्गी भी लगता है इसमें। दयाद बाबा का स्थान है, काला बाबा, कालकुवर, भैरूनाथ का बाबा क्या है, शनि देव है, काली मैया जी है, ऐसा है दयाद बाबा का। कितने सालों से ये मेला यहाँ पे आयोजित हो रहा है? ये तो 50 साल का हमको कोई मालूम नहीं है, 2-4 पीढ़ी गुजर चुका है। ये तालाब के बारे में बताएं, तालाब का क्या है? तालाब के विषय में, वो तो पहले से पानी है, जैसे को वैसे रहता है हमका पानी, कितने भी सूखा पड़ेगा पर सूखेगा नहीं। ये तालाब का चमत्कार क्या है जो नहाने से भूत प्रेत हट जाते हैं? नहाने से हर कोई चरम रोग का बीमारी लगता है, खाज खुजली भी समाप्त हो जाते हैं और जो भी भूत प्रेत लगते हैं वो भी समाप्त।
ठीक है। भूत प्रेत का ये तो पुरातत्व काल से यहाँ मालन मैया का दरबार है, यहाँ बांस का भीड़ा हुआ करता था पहले, और धीरे 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 आज ये विकास हमारे समिति ने बागडोर लिया। जब से यहाँ काफ़ी कुछ उन्नति हुई, मालन माँ का दरबार बना, यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त पंडा लोग आते हैं अपने रोगी लोगों को लेके। यहाँ प्रेत आत्मा, यहाँ पे एक दैयत बाबा है जिसको मुंजार के नाम से जाना जाता है, सर्वप्रथम वहाँ उसको खिलाया जाता है, वहाँ बांधते प्रेत को, उसके बाद में तालाब में उसको नहलाते, नहलाने के बाद यहाँ मैया के पास आकर के उसके उज्जाल देते हैं, तब वो ठीक होती है। कई की संतानें नहीं होती, यहाँ पे वो लोग झूला बांधते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो दूसरे साल यहाँ आकर के भोजन देते हैं। और ये प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को चालू होता है, जो कि 15 दिन का मेला चलता है प्रतिवर्ष। हमें चाहते हैं कि शासन से यहाँ कुछ सहयोग मिले, क्योंकि इतना बड़ा विशाल मेला है और हमारी एक छोटी सी समिति बड़े मुश्किल से इस मेले को कंट्रोल करते करते आज तक आई है, परंतु यहाँ कोई घटना आज तक नहीं घटी है। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये मेला चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, यही हमारी आशा और उम्मीद है। शासन से मेरा निवेदन है कि यहाँ पे घाट नहीं है नहाने के लिए, लोग कई लोग आते हैं, 12 माह पिकनिक के लिए आते हैं, पर्यटक स्थल है बहुत अच्छा, तो यहाँ पे शासन से कोई ना कोई सुविधा हो, घाट का व्यवस्था हो नहाने धोने के लिए। कई बार यहाँ घटनाएँ घटते घटते बच जाती, समिति यहाँ सक्षम रहती, इसलिए सारी व्यवस्थाएं अभी समिति के द्वारा की जाती, शासन से कोई सुविधा। आपका नाम? सिम्मीलाल परतेती। थैंक यू। जुन्नार देव छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। देखा जाए तो तालकमरा का ये आयोजन अपनी रहस्यमयी प्रक्रिया और विश्वास के साथ न केवल श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, बल्कि समाज में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि क्या एक धार्मिक आस्था है ये सब कुछ या बस एक अंधविश्वास का हिस्सा। कुछ के लिए ये जीवन दायिनी प्रक्रिया है, जबकि दूसरों के लिए सिर्फ एक वैज्ञानिक भ्रम। फिर भी एक बात साफ है कि इस मेले की लोकप्रियता और परंपरा को नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।